हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग हमारे 11th का लास्ट टॉपिक लेने वाले हैं, हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्लांट रेगुलेटर्स जो हैं, जो उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा टॉपिक है। इसमें बच्चा है क्या कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपके कुछ अगर वर्डिंग्स को आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, लेकिन एक्चुअल में आपको यहाँ पर याद रखने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स हैं, ठीक है। और वो सभी जो भी हम बोल रहे हैं कि प्लांट जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, वो एक्चुअल में अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उन्हीं पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वो मल्टी आपको कंडीशंस जो है वो मिलेगी और बार बार रिपीटेशन भी मिलेगा कई चीज़ों को लेके, जैसे कि डॉर्मेंसी है, तो कई ऐसे हैं जो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो सीड डॉर्मेंसी जिसकी वजह से डेवलप होती है। तो ये जो क्राइटेरिया है आपके दिमाग में क्लियर कट आपको रखना पड़ेगा। सीड जर्मिनेशन आप कई जगह पढ़ेंगे कि ये भी सीड जर्मिनेशन करवा रहा है, ये रेगुलेटर भी सीड जर्मिनेशन करवा रहा है, ये रेगुलेटर भी सीड जर्मिनेशन करवा रहा है, तो कौन कौन से करवाते हैं। तो इसको आप कई अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं कि या तो आप ऐसा करिए कि पर्टिकुलर करेक्टर को याद रख लीजिए कि सीड जर्मिनेशन, अब उसमें याद रख सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन है क्या भाई, सीड जो है वो जर्मिनेट होता है जिसकी वजह से आप देखते हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि रेडिकल एंड प्लूम्यूल निकलता है। रेडिकल जो है वो आपके रूट को फॉर्म करता है, जबकि प्लूम्यूल जो होता है वो शूट को फॉर्म करता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो सीड जर्मिनेशन है, ये फिर कई तरह के हॉर्मोन्स जो हैं उसको रेगुलेट करते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि पर्टिकुलर करेक्टर को याद किया और उसके साथ में उसको रेगुलेट करने वाले हॉर्मोन्स को याद किया, या फिर आप यूं कर सकते हो कि हॉर्मोन्स याद करो कि क्या है और फिर उसके क्या क्या फंक्शन है उस तरीके से याद करो। तो दैट इज ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से याद करते हैं, लेकिन मैं आज के इस टॉपिक को पूरे को आपको रिवाइज करवा देती हूँ और उसमें जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, जो जो वर्ड्स आपको पता नहीं है, उन सबको भी हम डिफाइन करते हुए चलेंगे। एंड आपको इसको अगर साथ साथ में अगर आप लर्न कर लेंगे तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट होगा, फिर आप सारे क्वेश्चंस जो भी इससे आएंगे वो उनको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अभी देखिए सबसे पहले कि ग्रोथ है क्या। ग्रोथ अगर हम प्लांट्स के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली आपको पता है ग्रोथ किसे बोलते हैं। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि कोई भी सेल का नंबर है अगर वो इंक्रीज हो रहा है, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात कर रहे हैं, जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और इंक्रीज इन मास, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ आप किसी भी रेस्पेक्ट में बोल सकते हो। अगर कोई सेल है और उस सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो ए ग्रोथ, है ना, उसको भी आप ग्रोथ बोलेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसमें सेल डिवीजन हो रहा है कंटिन्यू, जिसकी वजह से सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ग्रोथ, हम उसको भी ग्रोथ बोलेंगे। और अगर हम बोल रहे हैं कि उस सेल डिवीजन की वजह से प्लांट जो है उसकी हाइट अगर इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो उसको भी हम ग्रोथ बोलेंगे। उस सेल डिवीजन की वजह से अगर हम ये बोल रहे हैं कि प्लांट जो है अपने विड्थ के अंदर इंक्रीज करा है, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब है क्या, ग्रोथ का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह का जो नंबर में इंक्रीज हो रहा है या फिर मास में जो इंक्रीज हो रहा है, उसको हम ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं, या प्लांट जो है अपनी पूरी लाइफ के अंदर किस तरह से उनके अंदर हमें बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स आते हैं। जैसे कि मान लिया एक सीड से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई इवेंट तो पकड़ना ही पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि एक सीड हमने लिया क्योंकि हम उसको ग्रो कर रहे हैं। तो जब सीड होता है और सीड को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, सीड का फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या होता है, सॉइल होता है। सॉइल में प्रेजेंट वाटर है एंड वाटर के साथ में उनमें प्रेजेंट मिनरल न्यूट्रिशंस है। जब प्लांट को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है, ऑप्टिमम हम बोलते हैं रेंज में वाटर मिलता है, गैसेस मिलती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट मिलती है, मतलब इकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं सीड के जर्मिनेशन को, वो सभी फैक्टर्स भी ऑप्टिमम रेंज में जब उनको मिलते हैं, तब सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है। सीड जर्मिनेशन का मतलब ये हो गया कि सीड जो है वो क्या करता है, अपने एम्ब्रियोनल एक्सिस से ग्रोथ शुरू करता है। सीड का स्ट्रक्चर हम पढ़ के आए हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड का, यानी कि अगर कोई भी सीड डाइकॉट का है तो उसमें दो कोटिलेडन्स होंगे, अगर मोनोकोटिलेडन सीड है तो फिर क्या होगा, उसके अंदर एक कोटिलेडन प्रेजेंट होगा। देन आपका क्या है, वहां पे एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वो क्या करता है, ग्रोथ कर रहा है। आप देखेंगे जब ये ग्रोथ करता है तो वही उनका हाइपोकोटाइल रीजन जो है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में प्लूम्यूल एरिया होता है। प्लूम्यूल जो होता है वो ऊपर की तरफ क्या बनाता है, हम ये बोल रहे हैं कि शूट को बनाता है, जबकि हाइपोकोटाइल के नीचे का जो रीजन है जिसको हम बोल रहे हैं रेडिकल, तो रेडिकल नीचे की तरफ क्या बनाएगा, रूट को बनाएगा, ठीक है। तो यही जर्मिनेटिंग सीड है जिसका हाइपोकोटाइल रीजन जो है ये रहा आपके पास में, जिसके नीचे की तरफ रेडिकल है जिसने रूट्स को बनाया है, और उसके ऊपर की तरफ एपिकोटाइल रीजन भी होता है, और उसके साथ साथ में हम ये बोलते हैं कि
प्लूमल एरिया भी है, तो ये प्लूमल एरिया जो है वो किसको फॉर्म कर रहा है, आपके स्टेम पोर्शन जो है उसको फॉर्म कर रहा है। हम स्टेम नहीं बोल के शूट बोलते हैं, क्योंकि शूट के अंदर सभी चीजें आ जाती हैं, स्टेम भी आ जाती है, लीव्स भी आ जाती हैं, देन जब ये और अपनी ग्रोथ शो करता है तो देन क्या होता है कि इनमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद में फ्रूटिंग आती है। तो एक्चुअल में प्लांट क्या करता है, प्लांट में सीड जर्मिनेट होता है, जिसकी वजह से प्लांट पहले अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। जब वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर लेता है तो देन उसका फ्लावरिंग, हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव उसकी एज आती है, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है, एंड देन फिर हम ये बोलते हैं कि भाई पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर जाकर अपना जर्मिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है, एंड फिर हम ये बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जहां पर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बनता है उसी टाइम पे फ्लावर जो है उसमें भी कई सारे चेंजेस आते हैं, फ्लावर के एक्सेसरी पार्ट गिर जाते हैं, और जो ओवरी होती है वो हम ये बोल जो ओव्यूल होता है वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाता है, और ओवरी जो होती है वो सीड के अंदर डेवलप हो जाती है। तो फ्रूट फॉर्मेशन होता है आफ्टर रिप्रोडक्शन, हमें बोले रिप्रोडक्टिव एज के अंदर फ्लावरिंग होगी, देन फ्रूटिंग फेज आएगा। आफ्टर फ्रूटिंग हम ये बोलते हैं उस पर्टिकुलर प्लांट की सेनेसेंट फेज आ जाती है, बुढ़ापा एजिंग आ जाती है, एंड देन प्लांट की डेथ हो जाती है। तो हमेशा नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में यही जो बोलते हैं हम इवेंट्स रहते हैं कि सबसे पहले जुवेनाइल फेज होती है, देन रिप्रोडक्टिव फेज आती है, देन सेनेसेंट फेज आती है, एंड देन डेथ हो जाती है। तो सेम वैसे ही प्लांट्स भी अपनी ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लांट की ग्रोथ के अंदर अगर हम बात करें कि ग्रोथ को कैसे हम मेजर करेंगे, तो अगर आप सेल साइज में अगर इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होगा, दैट इज ग्रोथ, राइट। फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हो सकता है कि रूट है, रूट ने अपनी ग्रोथ शो की, रूट के ऊपर रूट हेयर लगे, तो देन वो क्या हो रही है, जब वो हम ये बोल रहे हैं कि डेवलप हो रहे हैं, रूट हेयर डेवलप हो रहे हैं, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स डेवलप हो रही है, उसकी वजह से रूट के अंदर क्या हो रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वैसे तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए दैट इज ए फेवरेबल कंडीशन, बट ये चीज जो है सरफेस एरिया इंक्रीज होना ये भी शो कर रहा है कि क्या हो रहा है, पर्टिकुलर पार्ट की ग्रोथ हो रही है। वैसे जैसे लीफ है, लीफ के अंदर भी क्या होता है, सेम कंडीशन है, स्मॉल लीफ होगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया कम है फॉर द फोटोसिंथेसिस, अगर लीफ का साइज अगर बढ़ता है तो देन फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, बट ये जो लीफ का साइज जो बढ़ा है वो साइज बढ़ना जो है वो क्या है, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ, राइट। तो हम ये बोल रहे हैं सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो दैट इज ऑल्सो उसमें जो इंक्रीज है वही हम उसको क्या कह रहे हैं, ग्रोथ बोल रहे हैं। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ग्रोथ। यस, सेल नंबर सेल डिवीजन की वजह से बढ़ा, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ। लेंथ इंक्रीज हुई, अगर इंटरनोड है, आप जानते हैं स्टेम के अंदर नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, दो नोड के बीच का जो एरिया है इंटरनोड वो क्या होता है, वो लंबा होता है, इलोंगेट होता है, दैट इज ऑल्सो क्या है, ग्रोथ। अगर हम किसी भी प्लांट का अगर हम उसका ड्राई वेट लेते हैं और वो ड्राई वेट अगर बढ़ता है, कि हमने उसकी किसी पर्टिकुलर एज के अंदर हमने लिया कि जुवेनाइल फेज के अंदर किसी प्लांट का हमने देखा है कि अगर उसके किसी पार्ट का हम लोग निकाल के देखते हैं कि ड्राई वेट क्या आता है, एंड देन फिर हम उसका देखते हैं कि और थोड़े उसकी इवेंट एजिंग बढ़ने के साथ में और उसके डिफरेंट इवेंट के अंदर अगर हम देखें तो वो जो उसका इंक्रीज होगा उसके ड्राई वेट में, वो भी क्या है, वो भी ग्रोथ ग्रोथ ही तो है। तो ग्रोथ को हम मेजर कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसको पानी के अंदर अगर आप रख दो तो उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसमें वाटर जो है एब्जॉर्ब हो गए हैं, उसके वाटर के जो हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लकड़ी पर चिपक जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर एक अट्रैक्शन पावर होता है, उसकी वजह से वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो इंक्रीज जो हो रहा है दैट वो है क्या, वो इंक्रीज किसी भी चीज में हो रहा है किसी भी तरीके से, उसको हम ग्रोथ ही बोलते हैं, राइट। तो ग्रोथ को कई तरीके से प्लांट के अंदर जो है मेजर किया जा सकता है। देखिए प्लांट को ग्रोथ जो होती है वो हम बोल रहे हैं इनडिटरमाइंड होती है। ठीक है, इनडिटरमाइंड क्यों बोल रहे हैं हम, कि देखिए एक तो क्या होता है कि अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल्स में क्या होता है कि हमारे अंदर एक सर्टेन टाइम तक ही हम ग्रोथ शो करते हैं, उसके बाद में हम ग्रोथ शो नहीं करते। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल मैंने अपना मैक्सिमम हाइट जो जितना मुझे लेना है वो मैंने हाइट ले लिया, यानी कि मेरे अंदर जो मैक्सिमम ग्रोथ जो हो सकती थी मेरे हम बोलते हैं कि बॉडी की, तो वो मैंने ले लिया है, तो कंटिन्यू ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही है एनिमल्स के अंदर। बट अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर सेल डिवीजन कंटिन्यू चलता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर चलता रहता है। आप जानते हैं कि सेल डिवीजन कौन सी सेल्स कौन से टिश्यूज करते हैं प्लांट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और आप ये भी जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में प्रेजेंट होते हैं। कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो स्टेम है तो स्टेम के एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट है, कुछ ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो लेटरल साइड्स के अंदर, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि पूरे उसकी अगर हम ट्रांसवर सेक्शन में देखें तो उसकी पेरिफ्री में प्रेजेंट होते हैं, कैम्बियम जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या है, वो उसकी विड्थ इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे होते हैं, तो हम उनको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल देते हैं।
कुछ इंटर कैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं जो नोड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इंटर नोड जो है उसका इलोंगेशन होता है। तो ये मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब उनकी डिफरेंट डिफरेंट जगह होती है, इस वजह से वो क्या करते रहते हैं वहां पे कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ वो क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते हैं एंड ग्रोथ जो है उसको शो करते हैं। तो प्लांट के अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है जबकि एनिमल्स के अंदर डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, ठीक है। हमारे अंदर भी सेल डिविजन देन अगेन होता है, बट वो वहां पर पर्टिकुलर अगर कहीं घाव हो गया है, कोई इंजरी अगर हमें हो गई है, तो उसी प्लेस पर फिर वहां पर क्या होगा, सेल डिविजन होता है। या फिर कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज हैं जहां पर हमें देखने को मिलता है कि यस वो सेल जो है वो डिवाइड करती रहती है, तो ये हम बोलते हैं जैसे कि स्टेम सेल्स हैं। तो कुछ पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि कंडीशंस में ही एनिमल्स के अंदर हम बोलते हैं कि सेल डिवीजन मिलता है, बट कंटिन्यूअस ग्रोथ जो है वो हमारे अंदर नहीं होती, जबकि प्लांट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। अगर वो पहले लेंथ में इंक्रीज हुआ है तो देन वो क्या करेगा, बाद में विड्थ इंक्रीज करेगा। अगर आप किसी का अगर आप काट भी देंगे कि एपिकल पोर्शन अगर आप काट देंगे तो आप देखेंगे वो लेटरल फिर ग्रोथ शुरू कर देगा, कि उसका एपिकल पोर्शन अगर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम आपने हटा दिया, तो लेटरल हम बोलते हैं कि वो ग्रोथ जो है वो उनमें प्लांट्स में होनी शुरू हो जाएगी। तो प्लांट्स के अंदर हम ग्रोथ के लिए हम बोलते हैं कि हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें प्लांट में देखने को मिलती है। ये एक डायग्राम जो है आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर आपको बताया गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेम के बारे में। जैसे शूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके एपिकल पोर्शन में एपिकल मेरिस्टेम है, रूट के अंदर भी टिप पर एरिया जो होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ये शूट का इलोंगेशन करवा रहा है, उसकी ग्रोथ दिखा करा रहा है। जहां पर रूट मेरिस्टेम है वो क्या करा रहा है, रूट की ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम आपको पता है लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है, तो ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, ये सेकेंडरी जाइलम जो है उसको हम ये बोल रहे हैं सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को फॉर्म करता है, ये विड्थ इंक्रीज करते हैं। वैसे कॉर्क कैम्बियम भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, कॉर्क कैम्बियम भी विड्थ इंक्रीज करती है, राइट। तो यहाँ पे और इसके अलावा इनमें वेस्कुलर कैम्बियम ही दिखाई बताई है, पर आपको पता है हमने जब टिश्यूज पढ़े थे वहां पे आपको अच्छे से याद होगा नोड के ऊपर इंटर कैलरी हम बोल रहे हैं कि टिश्यूज मेरिस्टमेटिक टिश्यूज भी होते हैं, वो भी इलोंगेशन शो करते हैं इंटर नोड के। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेरिस्टेम आपको बता के यही बताया गया है कि प्लांट के अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखिए ग्रोथ की फेजेस के बारे में अगर हम बात करें, अगर ग्रोथ के बारे में प्लांट्स के अंदर, तो देखो यहां पर पर्टिकुलर एक ग्रोइंग रीजन जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट आपको एरियाज को मार्क करके बताया है। बताने का रीजन ये है कि ग्रोथ जो होती है ना उसमें हमें डिफरेंट फेजेस देखने को मिलती है, वो कौन कौन सी है, जैसे मेरिस्टमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन, ये प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। जैसे कि ये टिप एरिया है, टिप एरिया क्या कर रहा है, यहाँ पे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैं वो कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हैं। वहां पे प्रेजेंट जो सेल्स होती हैं उनकी सेल वॉल अगर हम देखें तो वो बड़ी थिन होती है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी वो कैसा होता है कि डेंस होता है, वो एक्चुअल में मेटाबॉलिकली एक्टिव भी रहती है क्योंकि उनको सेल डिविजन करना होता है। तो हम ये बोलते हैं कि ज्यादा वो क्या करती रहे, कंटिन्यू एक्टिव रहे, और मेटाबॉलिक जो है जो एक्टिविटी जिसमें ज्यादा होगी फिर वो कंटिन्यू डिविजन भी कर पाएगी। तो मेरिस्टमेटिक सेल्स जो होती है वो कैसी होती है, सेल वॉल उनकी थिन होती है, साइटोप्लाज्म डेंस है, कंटिन्यूअसली हम ये बोलते हैं डिवीजन करती रहती है, एंड हम ये बोल रहे हैं कि मेटाबॉलिकली भी क्या होती है, एक्टिव रहती है। तो फिर ये मेरिस्टमेटिक जो सेल्स हैं यही फिर जब क्या होती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, तो ये जो एरिया क्रिएट हो रहा है इसके पीछे आप देखोगे, ये एरिया देखो साइज में भी क्या है, हमें ज्यादा मिल रहा है। अभी अगर यहां देख पा रहे हो तो इतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसी को एनलार्ज करके बताया तो आपको नजर आएगा कि मेरिस्टमेटिक जोन के बाद में जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये काफी लंबा एरिया है, इसको हम बोलते हैं इलोंगेशन। अभी इलोंगेशन का मतलब क्या हो गया कि यहां पर अब क्या है, सेल वॉल के अंदर डिपोजिशन भी हमें देखने का मिलेगा डिफरेंट केमिकल्स का, ठीक है ना। तो डिफरेंट यहां पर हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स का डिपोजिशन भी हो जाता है, और हम ये बोले कि सेल्स अब क्या हो रही है, परमानेंट हो रही है ना, डिफरेंशिएशन उनमें स्टार्ट हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन हो रहा है कंटिन्यू डिवीजन की वजह से, ये सेल्स ये जो पोर्शन है वो क्या हो गया, इलोंगेट हुआ है, तो इसको हम बोल रहे हैं इलोंगेशन। और उसके बाद में यही डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होती हैं हम ये बोलते हैं कि क्योंकि उनका पर्टिकुलर टिश्यूज जो है अब मेरिस्टमेटिक से वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका एक वर्क जो है वो डेफिनेट डिफाइन हो जाता है, तो वहां की जो सेल्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योर सेल्स बोलते हैं, या मैच्योर हम उसको बोलते हैं एरिया बोलते हैं। यहां पर हम ये बोलते हैं कि जितने भी पार्ट्स होते हैं और बाकी सब भी, जैसे कि अगर ये रूट है तो रूट के अंदर रूट हेयर जो है वो भी डेवलप हो जाती है, और वहां की जितनी भी सेल्स है वो पर्टिकुलरली डिफरेंशिएट हो जाती है, यानी कि परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो हो गया आपका मैच्योरेशन। तो इस तरीके से फेजेस देखने को मिलती है हमें ग्रोथ के लिए प्लांट्स के अंदर, क्लियर।
चलिए ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं कि ग्रोथ जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है। ग्रोथ जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो होती है अर्थमेटिक और दूसरी होती है जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक हम किसको बोलते हैं, देखिए अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है उसमें मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, उस सेल ने क्या किया, डिवीजन किया और डिवीजन करके दो सेल्स बनाई, ठीक है, लेकिन इसमें से ये एक सेल तो क्या हो गई, परमानेंट हो गई, जबकि दूसरी सेल अभी भी क्या है, मेरिस्टेमेटिक ही है, ये फिर से क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है, तो अब की बार ये सेल क्या करेगी, डिवीजन करेगी और दो सेल बनाएगी, जबकि ये सेल क्या है वहां पे प्रेजेंट तो है, तो ये परमानेंट सेल है, तो ये हो गई आपकी परमानेंट सेल। फिर अब की बार जो इस मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवीजन किया तो अब जो दो सेल्स बनी उनमें से एक सेल फिर क्या हो गई, आपकी परमानेंट हो जाएगी, जबकि ये सेल फिर से डिवीजन करेगी, तो आप देखेंगे क्या ये है आपकी परमानेंट सेल, ये भी है आपकी परमानेंट सेल, जबकि इस सेल ने डिवीजन करके आपके दो और नई सेल को बनाया, तो आप देखोगे क्या, ये देखिए चार्ट जो है अर्थमेटिक ग्रोथ का आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है कि इसमें कंटिन्यूअस हमें देखने को क्या मिलता है कि परमानेंट टिश्यूज जो है, परमानेंट सेल्स जो है उसका फॉर्मेशन होता रहता है, वो डिफरेंशिएट भी होती रहती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स परमानेंट जो आपकी बोलते हैं टिश्यूज में क्या है, डिफरेंशिएशन भी काम साथ साथ चलता रहता है और मेरिस्टेमेटिक वर्क जो है वो भी उनका साथ साथ चलता है, यानी कि अगर एक से दो सेल बनी है तो एक सेल परमानेंट हो जाएगी, दूसरी सेल जो है वो डिवीजन करती रहेगी, देन जो नई बनने वाली दो सेल है उनमें से एक सेल परमानेंट हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी, जबकि एक सेल जो है वो फिर से डिवीजन करती रहेगी, तो इस तरीके से ग्रोथ जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ बोलते हैं। इस अर्थमेटिक ग्रोथ को जानने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया गया है, एलटी इज इक्वल टू L0 प्लस RT। एलटी है क्या, ये टी टाइम पर लेंथ है पर्टिकुलर पार्ट की जहां पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, L0 क्या है, जीरो टाइम के अंदर हम बोल रहे हैं कि लेंथ है उसकी, और R जो है वो ग्रोथ रेट है, या फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं, इलोंगेशन, जो पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम के अंदर जितना इलोंगेशन हो रहा है उसको हम R बता रहे हैं। तो LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, इस फॉर्मूले से हम अर्थमेटिक ग्रोथ जो है वो निकाल सकते हैं। जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो आपको हमेशा क्या मिलता है, एक सीधी लाइन हमें इस तरीके की मिलती है फॉर द अर्थमेटिक ग्रोथ, ठीक है। चलिए नाउ सेकेंड, जियोमेट्रिक ग्रोथ किसको बोल रहे हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि इसमें एक सेल ने डिवीजन किया, दो सेल बनी, फिर दोनों सेल डिवीजन करेगी तो कितनी बन जाएगी, दो सेल से दोनों सेल ने डिवीजन किया तो चार बनी, तो इस तरीके से फिर ये चारों सेल क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है, तो हर सेल क्या करेगी, डिवाइड करने की वजह से दो दो सेल बनाएगी, तो कितनी सेल्स हो जाएंगी, आठ, आठ सेल फिर डिवीजन कर रही है तो अब की बार कितनी सेल्स बनेगी, 16। तो इस तरीके से क्या होता है, हर सेल जो है कंटिन्यू क्या करती रहती है, डिवीजन करती रहती है, इस तरह की ग्रोथ को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। इसका जानने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वो है W0ERT, ठीक है, इसमें देखिए W जो है, 1 जो है वो आपका फाइनल साइज है, W0 जो है वो इनिशियल साइज है बिगिनिंग पर, R जो है वो ग्रोथ रेट है, और T जो है टाइम है ग्रोथ के लिए कितना दिया है, और E जो है वो है एक्चुअल में जो नेचुरल हम बोलते हैं लॉगरिथम जो हम लगाते हैं, तो ये वो है। तो इस फॉर्मूले से हम जो हम बोल रहे हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ जो है उसको जान सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का ही फॉर्मूला है। जियोमेट्रिक ग्रोथ जो होती है एक्चुअल में अगर आप इसमें देखें तो इसमें कई फेजेस होती हैं, लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज। लैग फेज किसको बोलते हैं, देखिए लैग फेज वो फेज होती है, फर्ज करिए एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गए, तो होता क्या है जब आप नए नए कहीं पे होते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, तब आप उस टाइम पे क्या करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं और एज्यूम करते रहते हैं कि मेरे आसपास क्या चल रहा है उसको देखते हैं। जब आप एक बार क्या करते हैं स्कूल क्लास का माहौल जान पाते हैं, उसके बाद में फिर आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है, फटाफट फटाफट आपको पता चल जाता है कि हाँ ये लड़की कैसी है, ये लड़का कैसा है, तो आप फिर उनके साथ में फ्रेंडशिप करते हैं और धीरे धीरे देखते हैं आपकी फ्रेंडशिप की रेट बढ़ती रहती है, और सारी की सारी जो है क्लास में मोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। स्टार्टिंग में जहां आपके फ्रेंड्स नहीं थे अभी तक, तो आप सबको ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन कैसा है, ठीक है, उसके बाद में आपको जैसे ही पता चल गया माहौल का, आपने क्या किया, फटाफट से स्टार्ट कर दिया और आपने क्या की, इतनी सारी फ्रेंड्स जो है वो बना ली, है ना, फटाफट से फ्रेंडशिप करनी शुरू कर दी। तो फिर एक टाइम आता है कि जब आपके फ्रेंड्स आपको पोक करने लग जाते हैं, आपको परेशान करने लग जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करा है, कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करा है, तो आप सोच लेते हैं कि बस अब आज के बाद में मुझे तो किसी और को फ्रेंड बनाना ही नहीं है, अब मैं कोई फ्रेंड नहीं बनाऊंगा। तो आप क्या करते हैं, आपकी फ्रेंडशिप बनाने की जो रेट होती है, ग्रोथ रेट जो होती है, उसको आप रोक देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी, यानी ना तो नए फ्रेंड्स बनाते हैं और ना ही आप अपने पुराने फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ में फ्रेंडशिप को तोड़ते हैं। तो ये जो फेज होती है इसको आप क्या बोल देते हो, स्टेशनरी फेज। तो अब इसी चीज को समझिए, लैग फेज कौन सी फेज है, लैग फेज वो फेज है जिसके अंदर हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी जो है सेल को, जो उनके डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है
वो उनको मिलती है उस टाइम पे, सेल डिवीजन नहीं करती, केवल अपने आप को तैयार करती है फॉर द सेल डिवीजन, है ना। जब फिर उसके बाद में क्या करती है, जैसे ही उसको लग जाता है कि हाँ भैया अभी उसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, देन वो फटाफट से क्या करते हैं, ग्रोथ करना शुरू करते हैं, यानी कंटिन्यू सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। एंड जब उनको लगता है कि एनवायरमेंटल जितने भी उनको अवेलेबिलिटी मिली थी अब उन्होंने पूरी तरह से यूटिलाइज कर ली है, तो उसके बाद में और जो है सेल डिवीजन नहीं होता, वो ग्रोथ जो है वहां पे क्या हो जाती है, रुक जाती है, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। बैक्टीरिया नॉर्मली इसी तरीके से क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, राइट। तो देखिए लैग फेज, देन लॉग फेज, हम एक्सपोनेंशियल फेज को ही बोल रहे हैं, देन आ जाती है आपकी स्टेशनरी फेज। तो ये ग्राफ जब भी प्लॉट करेंगे तो वो इसी तरीके से हमें मिलेगा, ठीक है, अगर हम जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो। अब देखिए कोई भी एक एम्ब्रियो है, अगर वो एम्ब्रियो ग्रोथ शो करता है तो किस तरीके से करता है, जाइगोट जब बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो पहले क्या करता है, जियोमेट्रिक ग्रोथ करता है, यानी कंटिन्यू डिवीजन करता है और नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करता है, कोई डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं होता है। तो ये देखिए जियोमेट्रिक ग्रोथ हो रही है, नंबर ऑफ सेल उसने क्या किया, इंक्रीज किया। अब क्या होगा, अब डिफरेंशिएशन भी साथ में स्टार्ट होगा, बट कंटिन्यू सेल डिवीजन भी साथ साथ चलता रहेगा। रीजन ये क्योंकि डिफरेंशिएशन भी होगा और ग्रोथ जो है, जो डेवलपमेंट दिखाना है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, वो भी साथ साथ में चलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अर्थमेटिक ग्रोथ होगी, यानी कि ये जितनी भी सेल्स बनी है इन सेल में से कुछ सेल तो परमानेंट हो जाएंगी, यानी कि डिफरेंशिएट हो जाएगी इनटू डिफरेंट टिश्यू, अलग अलग तरह के टिश्यूज के अंदर डिफरेंशिएट होना शुरू कर देंगे, और बाकी की जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स जो है वो क्या करती रहेंगी, वो डिवीजन करती रहेंगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जो नई और सेल्स बनेंगी उनमें से, हम ये बोल रहे हैं कि जितनी भी सेल्स बनेगी उनकी आधी तो परमानेंट हो जाएगी और आधी फिर क्या करती रहेंगी, कंटिन्यू डिवीजन करती रहेंगी। फिर इसी तरीके से जो है वो हम वो अर्थमेटिक ग्रोथ शो करते हैं एंड डेवलपमेंट होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। तो इसी तरीके से ग्रोथ जो है वो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है जियोमेट्रिक, एंड देन अर्थमेटिक ग्रोथ जो है प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो में। चलिए अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, अगर हम करें कि किस तरीके से जो है ग्रोथ जो है उसको हम जान पाते हैं। तो देखिए ये दो लीफ है, अगर आप इन लीफ के अंदर देखोगे तो एक लीफ जो है इसने भी ग्रोथ शो की है, इसने इसका साइज जो पहले 10 सेंटीमीटर क्यूब था, अब वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, और बढ़ के कितना बढ़ा है, ये अभी सॉरी पहले 5 था और अभी बढ़कर कितना हो गया, 10 हो गया है। जबकि अगर यहां पे देखोगे तो यहाँ पे पहले उसका साइज क्या दिखा रहे हैं हमको, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन बाद में वो बढ़ के कितना हो गया, 55 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ने ग्रोथ की और इक्वल ग्रोथ ही की है, इसने भी 5 सेंटीमीटर हम बोल रहे हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसकी की है, जबकि यहां पर भी हम ये बोल रहे हैं कि इसने भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की है, ग्रोथ दोनों ने इक्वली की है, ठीक है। तो यहां पर ग्रोथ जो है दो तरीके से हो रही है, कौन कौन सी है, एक तो ग्रोथ रेट जो है वो है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, और दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसी को आप देखिए समझेंगे ये दोनों ग्रोथ क्या है। देखिए एब्सोल्यूट किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट तो जो होती है वो हम ये बोलते हैं कि उसने ग्रोथ कितनी की है, यानी इनिशियल उसका साइज क्या था और उसके बाद में उसका कितना साइज हो गया, तो वो जो ग्रोथ होती है उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। जैसे कि यहां पर 5 सेंटीमीटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और यहां पर भी 5 सेंटीमीटर जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि दोनों की ग्रोथ जो है वो क्या है, इक्वली ही नजर आ रही है, और वो क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ है, बराबर ही है दोनों की, इसने भी 5 सेंटीमीटर किया, इसने भी 5 सेंटीमीटर किया, ठीक है। बट रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या बोलते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट को हम निकालते हैं उसकी इनिशियल साइज से, कि उसके इनिशियल साइज से उसने कितना जो है वो ग्रोथ शो की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर देखो तो जो अब इसका इसने जो ग्रोथ शो की है वो कितनी है, 5। फिर उसकी पहले जो हम ये बोल रहे हैं कि जो लीफ का साइज था वो भी कितना है, 5, ठीक है। तो अब अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसने अपनी 100% जो है ना ग्रोथ शो की है, इसने 100% की, क्योंकि पहले 5 सेंटीमीटर जो हम बोल रहे हैं कि क्यूब इसका साइज था, अभी बढ़ाया उसने कितना, अपना जितना साइज था पहले इनिशियल साइज उसका, जस्ट उसने उतना का उतना ही साइज अपना और इंक्रीज कर लिया। तो ये जो है ये क्या है, रिलेटिव ग्रोथ है, ठीक है। रिलेटिव ग्रोथ उसके इनिशियल साइज से निकाला जाता है। अगर आप सेकेंड लीफ बी के अंदर देखोगे तो इसकी रिलेटिव ग्रोथ जो है वो क्या हो रही है, कम। एब्सोल्यूट ग्रोथ तो दोनों की क्या हो रही है, इक्वली हो रही है, इसमें भी 5 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें भी 5 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि यहां पर अगर देखोगे तो रिलेटिव ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो रही है, क्योंकि इसने 5 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज किया और पहले इसका 55 था, यानी कि अपने इनिशियल साइज से अभी साइज जो बढ़ा है वो बहुत ही कम बढ़ा है। तो रिलेटिव ग्रोथ क्या है, यहां पर कम हुई है बी लीफ में, जबकि ए लीफ में हम बोल रहे हैं कि रिलेटिव ग्रोथ जो है वो कैसी हुई है, 100% हुई है, ठीक है ना, 100% उसने ग्रोथ शो की है। तो इस तरीके से आप ग्रोथ जो है ना क्वांटिटेटिव ग्रोथ निकाल सकते हो। कंडीशन फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, अभी देखिए प्लांट को अपनी ग्रोथ शो करने के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर के साथ में उसमें प्रेजेंट मिनरल एलिमेंट्स चाहिए, उसके साथ में सनलाइट चाहिए,
हम बोलते हैं कि जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, डे टाइम की उनको कितना फ्लावरिंग के लिए डे टाइम यानी कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी चाहिए, लाइट का ड्यूरेशन कितना चाहिए, लाइट किस क्वालिटी की चाहिए, तो ये फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को लेकर। कितना उनको हम ये बोल रहे कि हम ये बोले टेम्परेचर जो है वो उसको सहन करना पड़ा कि हाई टेम्परेचर है या फिर लो टेम्परेचर है, और उसके साथ साथ में गैसेस जो है उसकी क्या क्या कंसंट्रेशन है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हम ये बोल सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जितने भी हैं वो सभी ग्रोथ जो है उसको हम ये बोल रहे हैं कि कंट्रोल करते हैं। तो जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वही फैक्टर्स यहाँ पर हम लोगों के लिए है कि प्लांट को ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस जो होती हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस वो ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। ऑप्टिमम रेंज में उनको वाटर चाहिए होता है, उनको प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है। अब वो बात और है कि सनलाइट भी जो है हर प्लांट टू प्लांट वेरी करती है, किसी प्लांट को सनलाइट बहुत ज्यादा चाहिए होती है तो किसी प्लांट को सनलाइट बहुत कम चाहिए। एग्जांपल के लिए जीरोफिटिक प्लांट्स अगर हैं तो उनको सनलाइट जो है ना हाई टेम्परेचर उनको बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अगर आप यही देखोगे कि अगर कहीं पहाड़ों पर जाओगे या ठंडी जगह जहां जाओगे वहां देखोगे तो वहां पे प्लांट्स जो होते हैं वो लो टेम्परेचर जो होते हैं उसी में अपनी ग्रोथ शो कर देते हैं। तो सबके लिए ग्रोथ रेट अलग अलग है। जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर अगर सॉरी ग्रोथ जो शो करने की कंडीशन है वो अलग अलग है। जीरोफिटिक प्लांट में देखोगे वाटर बहुत कम होता है, उस क्वांटिटी में बहुत कम वाटर के अंदर अवेलेबिलिटी के अंदर ही वो अपनी ग्रोथ शो कर लेते हैं, जबकि अगर एक्वेटिक प्लांट्स को देखोगे तो उनको तो पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है। तो सबकी हम ये बोलते हैं ग्रोथ के लिए अपनी हम जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। हर इकोलॉजिकल हम बोलते हैं कि प्लांट के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। जैसे जीरोफिटिक प्लांट्स है तो उनके लिए इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन ग्रोथ के लिए डिफरेंट है, एक्वेटिक है हाइड्रोफाइट्स हैं तो उनके लिए डिफरेंट हमें देखने को मिलती है। अगर हम देखेंगे हेलोफाइट्स है तो उनको डिफरेंट जो है एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए फॉर द ग्रोथ। तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। नॉर्मली नेचुरली अगर हम बोले मेन अगर क्राइटेरिया निकाले तो उसमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, वाटर, उसमें प्रेजेंट मिनरल एलिमेंट्स चाहिए, टेम्परेचर जो है वो, सनलाइट, ठीक है, तो ये प्रॉपर वे में फोटोसिंथेसिस ताकि हो सके। तो ये सब चीजें जो है मेन फैक्टर्स हैं जो प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है प्लांट के अंदर डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ये तीन शब्द है जो प्लांट के अंदर कई बार यूज में आते हैं टिश्यूज को लेकर। तो ये तीनों शब्दों को समझ लीजिए, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यू डिविजन करते रहते हैं, और जब ये कंटिन्यू डिविजन करते हैं सेल डिविजन, तो आफ्टर सेल डिवीजन ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं किसके अंदर, परमानेंट टिश्यूज के अंदर। तो ये क्या हो गए, परमानेंट टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है, टिश्यू। अब इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होना। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू का मतलब पेरेन्काइमा का फॉर्मेशन हुआ, अगर स्क्लेरेन्काइमा का हुआ, कॉलेन्काइमा का हुआ, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि ये डिफरेंट किसी भी तरह के टिश्यूज में अगर ये क्या हो रहा है, हम ये बोले डिफरेंशिएट हो रहा है या उसका फॉर्मेशन कर रहा है। अब आगे सेल डिवीजन की कैपेसिटी अगर उनमें खत्म हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर ये परमानेंट टिश्यू कभी कभी जरूरत पड़ने पर ये क्या हो जाते हैं, वापस से डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। जब ये परमानेंट टिश्यू फॉर द सेल डिवीजन वापस से कन्वर्ट हो गए, फॉर द एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, जैसे कि कैम्बियम फॉर्मेशन जब होता है तब आप देखेंगे कि हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होती है, जो हम ये बोल रहे मेडुलरी रेज जो होती है वो उनके जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है उनके हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन होने से बनती है। तो वो कैम्बियम क्या करती है, वो कैम्बियम जो है फिर जो है प्लांट की विड्थ जो है उसको इंक्रीज करने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए डी डिफरेंशिएट हुई है। पहले ये डिफरेंशिएट होकर पेरेन्काइमेटस सेल्स बनी थी एंड देन अभी वापस से ये क्या हो गई है, मेरिस्टेमेटिक हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, यानी कैम्बियम जो फॉर्मेशन होता है ये किसका एग्जांपल हो गया, कैम्बियम फॉर्मेशन, ये डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है, क्योंकि परमानेंट टिश्यूज क्या हो गए, मेरिस्टेमेटिक हो गए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, क्लियर हुआ। तो कॉर्क कैम्बियम भी फॉर्म अगर हो रही है तो वो कॉर्क कैम्बियम क्या है, वो भी डी डिफरेंशिएशन का ही एग्जांपल है, क्योंकि डिफरेंशिएटेड जो परमानेंट सेल्स थी वो मेरिस्टेमेटिक हुई है, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट री डिफरेंशिएशन। जब ये कैम्बियम जो है ये क्या करती है, कंटिन्यू डिवीजन करती है एंड डिवीजन करने के बाद में बनाती क्या है, डिवीजन करने के बाद में सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है, बनाती है कि नहीं,
फिर तो ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो बना रहा है, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना किसका है? ये वही पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं या फिर कॉलेन्काइमेटिक सेल्स हैं या स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, यानी वापस से ये क्या हुई है, परमानेंट टिश्यूज के अंदर ही कन्वर्ट हुई है। तो ये क्या कहलाएगा? रीडिफ्रेंशिएशन कहलाएगा, यानी कि सेल्स जो हैं प्लांट के अंदर, ये इस तरीके से जो हैं प्लांट के अंदर इवेंट्स चलते रहते हैं, मेरिस्टमेटिक, देन मेरिस्टमेटिक से परमानेंट, फिर परमानेंट बनी तो वापस से मेरिस्टमेटिक हो गई, फिर मेरिस्टमेटिक हो गई, फिर परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो बना दिए, तो उसको हमने रीडिफ्रेंशिएशन बोल दिया। तो इस तरीके से ये चीजें जो है प्लांट के अंदर चलती रहती है एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। वो ग्रोथ चाहे लेंथ में जब होगी तब तो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज करवा लेंगे, विड्थ जब इंक्रीज होती है उस टाइम पे ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, डिडिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन भी अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रीडिफरेंशिएशन क्यों बोला? क्योंकि ये पहले मेरिस्टमेटिक थी, फिर परमानेंट हुई, फिर मेरिस्टमेटिक हुई और फिर वापस परमानेंट हो गई, तो इनको हमने रीडिफरेंशिएशन बोल दिया, क्लियर। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट, प्लांट के अंदर डेवलपमेंट है क्या? प्लांट में डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? तो प्लांट के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि जो प्लांट ग्रोथ करता है मेरिस्टमेटिकली, सेल डिवीजन करता है, कंटिन्यू सेल डिवीजन होता रहता है, एंड देन सेल डिवीजन के बाद में जब डिफरेंशिएशन होता है, यानी मेरिस्टमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यूज बनते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वही क्या है, प्लांट का डेवलपमेंट है कि उसने पहले अपनी लेंथ इंक्रीज की, देन उससे फिर कई सारे तरह के टिश्यूज बनाए, दैट इज डेवलपमेंट इन प्लांट, राइट। अब प्लांट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल के अंदर वही कई सारे फेजेस में गुजरता है, जैसे कि सबसे पहले जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज के अंदर क्या होगा? वो अपनी मेरिस्टमेटिक ग्रोथ करेगा, है ना। जब वो अपनी मेरिस्टमेटिक ग्रोथ कर लेगा, जिसको हम प्लाज्मेटिक ग्रोथ बोल रहे हैं, तो ये जब अपनी ये मेरिस्टमेटिक सेल डिवीजन करके किया, देन क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन होगा। बट उसी के देखिए, जो आपके मेरिस्टमेटिक ग्रोथ हो रही है, सेल डिवीजन हो रहा है कंटिन्यू, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मेरिस्टमेटिक, वही आपका रीजन जो हम बताते हैं, जैसे हमने रूट के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है और स्टेम के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, तो उस टाइम पे हम ये बोल रहे हैं मेरिस्टमेटिक जो रीजन होता है वो पर कंटिन्यू ग्रोथ शो कर रहा था, वो उसका एग्जांपल है। देन वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू थोड़े परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होने वाली चीजें, कंडीशंस उसमें डेवलप होती है, जैसे सेल वॉल है, उनमें डिपोजिशन होना शुरू हुआ, जिसको हम सेल इलोंगेशन बोलेंगे, कंटिन्यू डिविजन हो रहा है, और यही इलोंगेटेड सेल्स जो है फिर वो क्या हो रही है? मैच्योर हो रही है, यानी कि परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। यानी ये तीनों फेजेस हमें देखने को मिलती है किसके अंदर? जब सेल अपना डेवलपमेंट शो कर रहा होता है उस टाइम पे। देन आता है सेनेसेंट फेज, उससे पहले सेनेसेंट से आता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसके अंदर वही ये सारी हम बोलते हैं फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ये सब चीजें होती हैं। एंड सेनेसेंट फेज यानी कि मेच्योर, हम बोलते हैं एजिंग आ जाती है प्लांट की, एंड देन उसके बाद में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से प्लांट जो होता है वो अपनी ग्रोथ शो करता है, ठीक है। तो देखिए, वही मेरिस्टमेटिक सेल ने किया, डिवीजन किया, सेल डिवीजन करके वापस मेरिस्टमेटिक बनाया, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, इसको मेरिस्टमेटिक जोन में हम बताते हैं। देन फिर ये वही आपको समझाया गया है, ग्रोथ तो कंटिन्यू हो ही रही है, लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, बार बार सेल्स तो खूब सारी बढ़ रही है ना, तो वो सेल बढ़ रही है, तो वो क्या हो रहा है? प्लांट इलोंगेट हो रहा है, तो वो इलोंगेशन जोन जो है वो क्रिएट हो जाता है। देन यही इलोंगेटेड सेल्स जो होती है, जो इकट्ठी हो रही है, मेरिस्टमेटिक है जो, वो परमानेंट में कन्वर्ट होती है, यानी इसको हम मैच्योरेशन जोन बोलते हैं, जो डिफरेंशिएशन होने की वजह से बनता है। फिर वही मैच्योर सेल जो है वही, उनमें क्या आ जाता है? सेनेसेंट फेज आती है, एंड देन क्या हो जाती है? प्लांट की डेथ हो जाती है। तो ये प्लांट के पूरे डेवलपमेंट के अंदर हमें नजर आती हैं चीजें, ठीक है। तो क्लियर हो गई आपको? तो ये टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी एक्चुअल में क्या है कि एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, या फिर हम बोलते हैं एज की वजह से, कि पहले जुवेनाइल फेज थी एंड देन फिर वो मेच्योर फेज आई, तो अपने प्लांट अपनी एज के अकॉर्डिंग भी कभी कभी अपने, हम बोलते हैं मोर्फोलॉजिकली, उनके करेक्टर्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि जैसे लीफ जो है वो कैसी नजर आ रही है, और समटाइम उनके इकोलॉजिकल कंडीशन अगर अलग मिलती है, जैसे कि वाटर में है या फिर टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट में, तो ऐसी कंडीशन की वजह से भी उनके अंदर, हम बोलते हैं मोर्फोलॉजिकली, करेक्टर में डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर द एग्जाम्पल लार्क्सपर जो है, उसकी लीफ दी है, जिसके अंदर क्या है? एज के अकॉर्डिंग, एज फैक्टर जो है वो काम कर रहा है, हिट्रोफिली कंडीशन है। हिट्रोफिली का मतलब होता है कि एक ही प्लांट के अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट लीफ जो है वो देखने को मिलती है, संरचना जो है डिफरेंट देखने को मिलती है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो जुवेनाइल फेज में देखिए स्ट्रक्चर लीफ का कैसा था, और एडल्ट के अंदर इस तरीके का नजर आ रहा है, तो हिट्रोफिली मिली कि नहीं? दो डिफरेंट स्ट्रक्चर वाली हमें लीफ देखने को मिल रही है हिट्रोफिली, किसमें? लार्क्सपर में। जबकि बटरकप जो होता है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल की वजह से, कि अगर हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है तो ऐसी कंडीशन में लीफ जो है इस तरीके की नजर आ रही है, जबकि वाटर हैबिटेट के अंदर कैसी हो गई है? ये ऑलमोस्ट जो है रिड्यूस टाइप की हो गई है ना,
तो ये वाटर हैबिटेट के अंदर है। तो इकोलॉजिकल एनवायरमेंट ने यहाँ पे क्या किया, हिट्रोफिली कंडीशन डेवलप की, किसके अंदर, बटरकप के अंदर। तो ये एग्जांपल है फॉर द प्लास्टिसिटी, यानी कि मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन का भी बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वही छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ये जहां बनते हैं वहां से जाकर अपने जिस भी डेस्टिनी जगह जो है वहां पर जाकर अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो इन केमिकल कंपाउंड्स को, जैसे कि हॉर्मोन्स होते हैं हमारे अंदर, बनते कहाँ पे हैं, जहां पे उनकी वो पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि ऑर्गन है, या फिर हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गन में उनका फॉर्मेशन होता है, एंड देन फिर वो अपनी डेस्टिनी जहां पर जाकर उनको वर्क करना है वहां तक वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड देन वहां पे उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, वैसे ही ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ये भी क्या है, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जो बनते हैं एंड देन अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं। ये कई तरह के केमिकल कंपाउंड के डेरिवेटिव्स होते हैं, कौन कौन से हैं, जैसे कि फॉर द एग्जांपल इंडोल एसिटिक इंडोल कंपाउंड जो है उसके डेरिवेटिव है, कौन सा है, हॉर्मोन सॉरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अगर हम देखें PGR, तो वो है IAA इंडोल एसिटिक एसिड। इसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो एडिनिन जो होता है इसके डेरिवेटिव्स भी हैं काइनेटिन। ठीक है, इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं पिगमेंट जो है उसके भी क्या है, हमें डेरिवेटिव देखने को मिलते हैं, कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। टर्पिन्स जो है उसके डेरिवेटिव है जिब्रेलिन, और गैसेस फॉर्म में होता है इथाइलिन। ठीक है, तो ये कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। अब ये क्या क्या फंक्शन करते हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, और फिर हमारी शायद सुनने की वजह से आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी जो है वो थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी, और देखने के लिए आपके बोर्ड पे चीजें हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी चीज हमें लर्न ज्यादा अच्छे से तब होती है कि या तो हम उसको खुद बोलें, या हम उसको अपनी आंखों से देखें, ठीक है, कानों से सुने। अब देखिए कंडीशन क्या है, बोल तो आप सकते नहीं है, बोल लीजिए या तो मेरे साथ साथ में, जब जब मैं रिपीट करूं तो उसके बाद में एक बार बोल के देख लीजिए, लेकिन आप देख सकते हैं, इसीलिए बोर्ड पे हम लोगों ने हर चीज को लिखी होती है। बायोलॉजी के केस में स्पेशली रीजन यही रहता है बोर्ड पे आप लोगों को हर चीज देने का, ताकि आप उसको देख सकें कि हम क्या बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इमेज ही नहीं क्रिएट कर पाते हैं, चीजें हम बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लिखी हुई दिखाई देती है तो ज्यादा और अच्छे से याद होती है। बोल मैं रही हूं और उसको सुनना आपको है। ठीक है, तो हो सकता है ये जब तीनों फंडे एक साथ मिल जाएंगे तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और आप चाहे तो साथ साथ में लिख भी सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन जो है ये ह्यूमन यूरिन जो है उससे सबसे पहले इसको बोल रहे आइसोलेट किया गया था। ठीक है, ये प्रोड्यूस कहां होता है, ये देखिए जो हम बोलते हैं एपेक्स एपिकल पोर्शन होता है, जैसे कि स्टेम है तो स्टेम के एपिकल पोर्शन में, और रूट है तो रूट के भी एपिकल पोर्शन के अंदर ये क्या है डेवलप होते हैं, कौन, ऑक्सीन्स। तो ऑक्सीन्स स्टेम एपिकल एपिकल स्टेम पे और एपिकल रूट जो है वहां पर जो है ये हम बोलते हैं कि ग्रो होते हैं, और उसके बाद में ये माइग्रेट हो जाते हैं, और जहां पर भी इनको एक्शन परफॉर्म करना है वो एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल है IAA और IBA, ये दोनों ही नेचुरली प्रेजेंट हम ये बोल रहे हैं ऑक्सीन्स हैं, IAA इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये दोनों ही जो है नेचुरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, बट उसके अलावा कुछ सिंथेटिक भी है। सिंथेटिक में हमारे पास में एग्जाम्पल आ जाता है NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D, ये दोनों ही सिंथेटिक है। ठीक है, इनको जो है बाहर से अगर हमें प्लांट में कोई चेंज करवाना है तो इसको हमें बाहर से प्लांट को अवेलेबल करवाना होगा। ठीक है, उसके ऊपर छिड़काव वगैरह करके। ठीक है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वाटर के साथ में ये जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ये भी उनको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से दो हमारे पास में सिंथेटिक ऑक्सीन्स है और दो हमारे पास में नेचुरल जो बोल रहे हैं ऑक्सीन्स है, IAA और IBA। NAA और 2,4-D जो है वो सिंथेटिक है, और ये जो ऑक्सीन्स है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है ये रहता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर में, जहां पर हम क्या करते हैं प्लांट्स को हम बोल रहे हैं कि उसकी उनमें कई तरह के हम उनको ग्रोथ करवाते हैं, उनके उनके सीड्स को प्राप्त करते हैं, देन उनके मल्टीपल प्लांट्स में उनको ग्रो करते हैं, ये ऐसा कुछ रहता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। तो ये वहां पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मल्टीपल प्लांट्स ग्रो करने के अंदर। ठीक है,
अभी ये देखिए ऑक्सिन्स जो है उनके क्या उनका रोल रहता है। अभी मैं ऑक्सिन की बात कर रही हूँ तो यस ऑफकोर्स यहाँ पर मैं कंबाइंडली IAA और IBA के बारे में भी बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑक्सिन्स के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ। वैसे हम दो कैटेगरीज पढ़ेंगे ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, तो आपको देखने को मिलेंगे कुछ जो टाइप्स हैं वो ऑक्सिन्स के और कुछ टाइप जो है साइटोकाइनिन्स के। तो ऑक्सिन्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो यानी मैं IAA और IBA की भी बात यहाँ पे कर रही हूँ। NAA और 240 के बारे में भी मैं यहाँ बात कर रही हूँ, चारों के बारे में ही कंबाइंडली मैं यहाँ बात कर रही हूँ। एपिकल डोमिनेंस जो है वो डेवलप होती है इनकी वजह से। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये हो गया क्योंकि एपिकल पोर्शन में जब ये ऑक्सिन्स प्रेजेंट रहते हैं तो कंटिन्यू सेल डिवीजन करवाते हैं, मेरिस्टमेटिक रहती है वहां की सेल, जिसकी वजह से प्लांट जो है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, रूट जो है उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस यानी कि अगर आप एपिकल पोर्शन को अगर आप काट देते हैं तो उस कंडीशन में, क्योंकि ऑक्सिन वहीं डेवलप हो रहे हैं, अगर आप उस पोर्शन को काट देते हैं तो प्लांट जो है वो लेटरली क्या करना शुरू कर देता है, ग्रोथ शुरू कर देता है। अगर आप अपने घर में कोई प्लांट है वो लंबा ही बढ़ता जा रहा है तो आप उसका टिप पोर्शन काट दीजिए तो प्लांट जो है वो क्या होता है, नीचे से आपकी लेटरल जो है वो ग्रोथ शो करके अपनी ब्रांचेस जो है उसको ग्रो कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा रूट इनिशिएशन कर रहा है, बिल्कुल रूट इनिशिएट क्योंकि वही एपिकल पोर्शन में है तो रूट जो है उसको डेवलप करवाने का काम करेगा ये। वैसे अगर लेबोरेटरी कंडीशन होती है इसको अगर आप समझे तो कैलस जो होता है, कैलस ए मास ऑफ सेल, जब सेल मेरिस्टेमेटिक होती है और वो डिवीजन करके कंटिन्यू एक पूरा ग्रुप बना लेती है सेल का, उसको हम बोलते हैं कैलस। तो कैलस जो होता है उससे फिर क्या होना होता है, डिफरेंशिएशन होना होता है क्योंकि अभी तो मेरिस्टेमेटिक है, ये परमानेंट में कन्वर्ट होने वाली होती है, तब रूट जो है उनमें से कुछ सेल जो है डिफरेंशिएट होकर रूट बनाए तो रूट इनिशिएशन हम उसको बोलेंगे। तो रूट इनिशिएशन जो है वो इनकी वजह से होता है, ऑक्सिन्स की वजह से पोटेटो डोरमेंसी डेवलप करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एब्सेशन, एब्सेशन यानी कि किसी, हम ये बोल रहे हैं कि वर्क के होने को रोकना, यानी कि जो डेवलपमेंट है ग्रोथ है उसको, ग्रोथ को रोकना जो है उसको एब्सेशन बोल रहे हैं, तो उसको रोकती है क्योंकि ये तो ग्रोथ करवा रही है, ये तो प्रोमोटर्स में से है ना, ग्रोथ करवाने में है ये तो, रूट एंड शूट जो है डेवलप करवा रहे हैं। फ्लॉवरिंग इनिशिएशन करती है पाइनएपल के अंदर, ठीक है ये याद रखिए, पर्टिकुलर एग्जाम्पल ध्यान रखना क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, तो पाइनएपल में फ्लावरिंग इनिशिएट करवा रहे हैं। पार्थेनोकार्पी टमेटोज के अंदर, टमेटोज जो होते हैं उनमें पार्थेनोकार्पी यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट जो है उसका डेवलपमेंट, विदाउट सीड जो है डेवलपमेंट करवा देते हैं, तो टमेटोज के अंदर पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन्स। और वीट्स जो होते हैं तो डाइकोटिलेडन वीट्स जो होते हैं उनको किल करने के लिए 240 जो है उसको छिड़काव किया जाता है ताकि वीट्स जो है वो डेवलप ना हो सके, तो वीड किलर के फॉर्म में भी 240 को यूज किया जाता है। तो ये कुछ सर्टेन इफेक्ट्स हैं जो हैं ऑक्सिन्स के। अब ये देखिए एपिकल मेरिस्टम, एपिकल डोमिनेंसी है उसी के डायग्राम दिया गया है। एपिकल पार्ट के अंदर क्योंकि ऑक्सिन्स है तो वो एपिकल ही ग्रोथ शो करता है, अगर आप टिप पोर्शन को हटा देंगे तो देखिए ये लेटरल ब्रांच निकल आई है तो ये लेटरल ग्रोथ जो है वो शो कर दिया, अब यहां से ये प्लांट जो है लेटरल ग्रोथ करेगा, लेटरल ब्रांचेस को फॉर्म करेगा, तो ये बताता है कि ये एपिकल डोमिनेंसी होती है ऑक्सिन्स की वजह से। जिब्रेलिन बड़ा ही अच्छा सा हार्मोन है, प्रोमोटरी है, सीड जर्मिनेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिब्रेलिन का। जिब्रेलिन कई तरह के डिस्कवर जो है खोजे गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं, 100 टाइप ऑफ जिब्रेलिन, उनके नेमिंग भी वैसे ही कुछ कहां से किस में से खोजे गए हैं तो वो याद रखिए फंजाई एंड हायर प्लांट्स में से, GA1, GA2, GA3 इस तरह से सो ऑन जो है वो कई तरह के जिब्रेलिन है, जिसमें सबसे पहले जिब्रेलिन एसिड जो खोजा गया है वो है GA3। ठीक है, और सभी के सभी जिब्रेलिक एसिड बोल रहे हैं तो समझ जाइए कि नेचर उनका क्या है, एसिडिक है। अब इसको भी बच्चे याद करने बैठ जाते हैं, याद करने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही पता चल रहा है जिब्रेलिक एसिड बोल रहे हो ना आप, जिब्रेलिन बोलिए जिब्रेलिक एसिड बोलिए, तो जीए वर्ड आ गया तो पता चल गया सभी के सभी क्या है, एसिडिक है, फिर भी बच्चे इसको याद करते हैं। चलिए इसके क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जिब्रेलिन के, एक तो ये क्या कर रहा था, प्रमोट करता है ब्लॉटिंग, किसके अंदर, बीट एंड कैबेज में होता क्या है भाई, ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग का मतलब ये होता है फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड जो है उसका डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। ठीक है, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है उसमें इलोंगेशन करवाता है, अगर कोई प्लांट है जो जेनेटिकली ड्वार्फ है अगर उसके ऊपर उसको जिब्रेलिन दिया जाए तो होता है क्या, वो भी इलोंगेट हो जाता है, वो अपनी लेंथ को इंक्रीज कर देता है, तो ये इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जो प्लांट्स पे होते हैं। डोरमेंसी को ब्रेक करता है, यानी सीड है जो लंबे टाइम से क्या है डोरमेंट फेज में है, डोरमेंट फेज का मतलब ये हो गया कि उसको नेचुरल, हम ये बोल रहे हैं कि सीड जो है उसको सारे के सारे फेवरेबल एनवायरनमेंट अवेलेबल, उसके बावजूद भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सीड को अर्ली जर्मिनेशन के लिए, सीड को जर्मिनेट करवाने के लिए, क्योंकि डोरमेंसी तो पर्टिकुलर हर सीड के अंदर अपने खुद की होती है, कुछ लिमिटेड टाइम होता है, वो उस टाइम तक चाहे कितना भी फेवरेबल एनवायरनमेंट दो वो रहेंगे डोरमेंट फेज में, बट अगर उनमें चेंजेस किए जाए तो चेंजेस की वजह से वो डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। तो वो चेंज में एक चेंज ये है कि अगर उस पर जिब्रेलिन एसिड जो है
वो उससे उसको ट्रीट किया जाए तो उस कंडीशन में सीड जो है वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। तो सीड जर्मिनेशन में ये हेल्प करते हैं, डॉर्मेंसी जो है उसको ब्रेक करते हैं, फ्रूट एंड फ्लावरिंग एप्पल के अंदर जो है ना फ्रूटिंग जो होती है वो करवाते हैं, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन करवाते हैं, ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिब्रेलिक एसिड का। और शुगर केन जो है उसकी लेंथ जो है उसको इंक्रीज करवा देते हैं, लेंथ इंक्रीज होगी तो गन्नों से हम ये बोल रहे हैं कि शुगर ज्यादा मिलेगी, तो हम ये बोलते हैं कि जो यील्ड हमें मिलने वाला वो यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं किस पे, प्लांट्स के ऊपर, जिब्रेलिक एसिड के बारे में बात की है। फिर आ जाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक्चुअल में काइनेटिन जो है उसको डिस्कवर किया था सबसे पहले। तो काइनेटिन जो है वो एक्चुअल में है क्या, वही एडिनिन जो है उसके डेरिवेटिव है। और काइनेटिन जो है वो नेचुरली हम ये बोल रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, बट इस काइनेटिन का यूज बहुत किया जाता है। अगर आप प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और वहां पे आप देखेंगे तो ये जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनका यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में, टिश्यू कल्चर के अंदर, एम्ब्रियो कल्चर, कैलस फॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके अंदर उनका डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ये हॉर्मोन्स को देकर प्लांट को की ग्रोथ करवाई जाती है, ठीक है। चलिए तो ये जो है इसको हम बोल रहे हैं नेचुरल, हम ये बोल रहे हैं कि काइनेटिन जो है वो मिलता नहीं है, बट जो साइटोकाइनिन है अगर उसको हम देखें तो जियाटिन जो है उसको आइसोलेट किया गया है नेचुरली। और ये जो साइटोकाइनिन होते हैं ये कहाँ कहाँ देखने को हमें मिलते हैं, रूट एपिक्स में, हम उनकी बात कर रहे हैं रूट एपिक्स में, साइटोकाइनिन के बारे में, रूट एपिक्स में मिलते हैं, डेवलपिंग शूट बर्ड्स होती है वहां देखने को मिलते हैं, और यंग फ्रूट्स में देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप बोलोगे क्या कि मैडम एक टाइम पे तो ये बात बोल रही है कि ये नेचुरली मिलते नहीं और दूसरे टाइम पे ये बोल रही है कि ये नेचुरली यहाँ प्रेजेंट है, तो इस बात को क्लियर रखिए अपने दिमाग में। मैंने साइटोकाइनिन की बात की ना, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जो है वो एक्चुअल में ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। यहाँ पर्टिकुलरली साइटोकाइनिन अगर मैं शब्द यूज कर रही हूँ तो वो मैं काइनेटिन के लिए भी यूज कर रही हूँ, तो मैं जियाटिन के लिए भी यूज कर रही हूँ। काइनेटिन जो है वो नेचुरली प्लांट्स में नहीं मिल रहा है, लेकिन जियाटिन देखिए ये आइसोलेट किया गया है किससे, कोकोनट मिल्क से। इसका मतलब ये नेचुरली हमें देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर। तो मैं बात उनकी कर रही हूँ जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, तो वो नेचुरल साइटोकाइनिन जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से रीजन में, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो वो रूट एपेक्स के अंदर, शूट बर्ड्स के अंदर, और यंग फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन, साइटोकाइनिन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए जितने भी साइटोकाइनिन्स हैं मैं कंबाइंडली सभी के बारे में बात कर रही हूँ, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये क्या करवाते हैं, नई पत्तियां, न्यू लीव्स जो है उनको, उनका प्रोडक्शन करवाते हैं। लीफ जो, क्योंकि लीफ प्रोड्यूस करे तो उनमें क्लोरोप्लास्ट जो है उसको भी इंक्रीज करवाते हैं, उनका भी नंबर इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेटरल शूट ग्रोथ जो होती है वो साइटोकाइनिन की वजह से होती है, यानी शूटिंग जो हो रही है वो साइटोकाइनिन की वजह से होगी। एडवेंटिशियस शूटिंग फॉर्मेशन, यानी कि भाई शूट फॉर्मेशन जो है ना, शूटिंग जो है मेन काम है इनका, रूट इनिशिएशन ऑक्सिन्स का मेन काम है ना, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है ये एपिकल डोरमेंसी अगर किसी में प्रेजेंट है तो उसको ब्रेक कर रही है, एपिकल डोरमेंसी को कम कर रही है, क्यों, क्योंकि इसी की वजह से तो क्या हो रहा है, लेटरल जो है वो ग्रोथ शो हो रही है साइटोकाइनिन की वजह से। तो ये सपोज ऑफकोर्स इन्होंने क्या किया, एपिकल डोमिनेंस जो है उसके प्रभाव को कम किया और लेटरल जो ग्रोथ है उसको शो करवाया, ठीक है। दे प्रोमोट न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पहुंचाने का जो है उसमें हेल्प करता है। और ये लीफ सेनेसेंस जो है, यानी पत्तियां जो है वो सूख कर झड़ जाएं, है ना, तो वो जो उनमें एजिंग आ रही है उसको ये बोल रहे हैं लेट कर देते हैं, धीमा होता है वो, धीमी गति से होता है, तो डिले कर देते हैं लीफ सेनेसेंस को। चलिए फिर आ जाता है एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड जस्ट अपोजिट है, ये तो ग्रोथ नहीं होने दे रहा ना, ये सीड डोरमेंसी डेवलप कर रहा है, यानी अपोजिट फंक्शन है ग्रोथ से रिलेटेड। तो ये इंड्यूस करता है एब्सेशन को, इंड्यूस करता है बड एंड सीड डोरमेंसी को, यानी डोरमेंसी करवाता है ये, ठीक है। सेनेसेंस जो है उसको इंड्यूस कर रहा है बिल्कुल। इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन एंड सेल इलोंगेशन, देखिए इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ग्रोथ नहीं करने वाला जो है रेगुलेटर है ये, सेल डिविजन नहीं करने दे रहा, ना ही सेल इलोंगेशन होगा, सेल डिविजन नहीं होगा तो इलोंगेशन बिल्कुल ही नहीं होगा। एंड स्ट्रोमेटा क्लोजिंग जो है ना ये भी इफेक्ट रहती है बाय एब्सेसिक एसिड। फिर आ जाते हैं इथाइलिन, दिस इज द ओनली पीजीआर जो कि गैसियस होता है, और ये जो है ये हम ये बोल रहे हैं कि
बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है ना ये बनता है। किसके अंदर बनता है? वो फ्रूट्स जो जो जिनमें रिपनिंग हो रही होती है, या फिर हम ये बोलते हैं जब सेनेसिंग सेनेसेंट फेज जब चल रही होती है प्लांट्स की, उस टाइम पे एथिलीन जो है इसका हमें बोले कि सिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर। इथिलीन करता क्या है? देखिए, एक तो इथिलीन जो सीडलिंग्स होती है उनकी हॉरिजोंटल ग्रोथ करवाता है, इसी के अलावा डाइकॉट प्लांट जो है ना उनके अंदर भी ग्रोथ शो करा है इथिलीन। इसके अलावा सेनेसेंस जो है उसको प्रमोट कर रहा है और एब्सेशन करवा रहा है प्लांट ऑर्गन्स का, स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स का, यानी एब्सेसिक एसिड वाला ही इसका क्या हो रहा है, काम हो रहता है इथाइलिन का। ठीक है, अभी क्या क्या करते हैं? फीमेल फ्लावरिंग, कुकुम्बर जो होता है कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावर को बनने को प्रोमोट करता है। ठीक है, एक्चुअल में इथेफोन के फॉर्म में होते हैं ये, मेनली इथाइलिन मेन सोर्स है इथेफोन जो है इथाइलिन का। तो इथेफोन की वजह से क्या है, फीमेल फ्लावर जो है वो उनका प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है कुकुम्बर के अंदर। इसी के साथ में जो टमाटर है, टमाटर के अंदर क्या हो रहा है, फ्रूट की रिपनिंग हो रही है ना, और एप्पल के अंदर भी सेम चीज है। इसी के अलावा फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग जो है ना उसको नहीं होने देता, किसके अंदर, कॉटन के अंदर, चेरी के अंदर, वॉलनट के अंदर इथाइलिन। इसके अलावा सीड एंड बड डोरमेंसी जो है उसको तोड़ता है, यानी कि इसकी वजह से सीड डोरमेंसी ब्रेक होगी तो सीड जर्मिनेशन होगा। ठीक है, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पी नट सीड, देखिए यानी अलग अलग इनका क्या है, इफेक्ट है अलग अलग प्लांट्स के अंदर। पी नट्स के अंदर ये सीड जर्मिनेशन करवा रहे हैं, जहां पे एब्सिसिक एसिड तो कंप्लीटली क्या है वो तो ग्रोथ होने ही नहीं दे रहा, सीड जर्मिनेशन भी नहीं होने दे रहा है, बट जर्मिनेशन बट जो है उसका भी डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा, सेल डिवीजन भी नहीं होने दे रहा, बट वही इथाइलिन बिल्कुल डोरमेंसी जो है उसको ब्रेक कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, बट सेनेसेंस जो है उसको डेवलप करवा रहा है, यानी कि एब्सिसिक एसिड का एक काम तो करवा रहा है दूसरा नहीं करवा रहा है, सीड डोरमेंसी ब्रेक करने का काम कर रहा है, जर्मिनेशन करवा रहा है पीनट सीड के अंदर। अब क्लियर कट पिक्चर बना लीजिए, पोटेटो ट्यूबर्स जो होते हैं उनमें स्प्राउटिंग करवाता है, बिल्कुल डेवलप हो जाती है ना उनमें ग्रीन कलर के स्प्राउट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए इंटरनोड जो है उसका एनलार्जमेंट करवाता है राइस प्लांट के अंदर, पानी के अंदर जब डूबे रहते हैं तो वो इलोंगेट होके बाहर निकलते हैं ना पानी में से राइस प्लांट, तो वो उसको प्रमोट कर सकता है इथाइलिन। इसके अलावा प्रमोट करता है रूट ग्रोथ को, रूट हेयर को, यानी रूट का डेवलपमेंट भी करवा रहा है, पूरी तरीके से नहीं है इसका काम, इसका काम डेवलपमेंट में भी है। तो ये रूट जो हेयर है उसका फॉर्मेशन करवाता है, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज करवा के वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है इथिलिन क्या करवा देता है, इंक्रीज करवा देता है। इसके अलावा देखिए इनिशिएट कर रहा है फ्लावरिंग को, फ्रूटिंग को पाइनएप्पल के अंदर, और इसी के साथ में देखिए अगर ये रेस्पिरेशन रेट जो है ना रिपनिंग फ्रूट के अंदर बढ़ा देता है। ठीक है, तो आप देखो इथाइलिन के बहुत सारे काम है, बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन जो है वो इथाइलिन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। बट याद रखिए सेनेसेंट फेज के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, यानी सेनेसेंस से भी इसका क्या है, रोल है, बट उसी के साथ में ये ग्रोथ जो है उसमें भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये क्या करवा रहा है, रेस्पिरेशन रेट जो है ना उसको बढ़ा रहा है। तो दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कभी कभी रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक क्या है। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करवाया है किसने, इथाइलिन ने। तो ये पीजीआरस हैं जिनके कई सारे हम बोलते हैं इफेक्ट रहते हैं प्लांट्स पे, सबके डिफरेंट डिफरेंट है, उनको आपको ध्यान रखना होगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं उन सबको हम ये बोलते हैं कि अपने फ्लावरिंग के लिए टाइम का जो हम बोलते हैं ड्यूरेशन होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। कई होते हैं जिनको लाइट का ड्यूरेशन ज्यादा लंबा चाहिए तब वो फ्लावरिंग करेंगे, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको लाइट का ड्यूरेशन कम चाहिए। ठीक है, यानी कि उनको जो लाइट होती है उसका हम बोलते हैं कि उनकी जो लाइट के ड्यूरेशन पर उनकी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग डिपेंडेंट रहती है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि सर्दियां हैं, सर्दियों में लाइट ड्यूरेशन दिन के टाइम पे कम होता है, तो सर्दियों की फसल हमेशा सर्दियों में ग्रो क्यों कर रही है, क्योंकि उनको लाइट ड्यूरेशन जो है कम चाहिए। और जबकि हम बोल रहे हैं कि गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में लाइट का ड्यूरेशन ज्यादा होता है, डे टाइम ज्यादा होता है, तो इसका मतलब उनको फ्लावरिंग तभी होती है क्योंकि उनका डे उनको लाइट जो है वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए चाहिए। तो फोटो पीरियडिज्म वर्ड से ही समझ जाइए, फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियड का मतलब हो गया ड्यूरेशन, यानी कि लाइट की ड्यूरेशन पर फ्लावरिंग जो है वो डिपेंडेड है, तो उसको हम बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। प्लांट उसी तरीके से अपनी ग्रोथ शो करता है। ये डायग्राम देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट अगर वो होंगे तो उनको अगर फोटो पीरियड क्रिटिकल जो है उससे जो उनका ड्यूरेशन होता है उससे ज्यादा जब मिलेगा तब वो फ्लावरिंग करेंगे, अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे कम मिलेगा, अगर उनको डेट अगर लाइट का ड्यूरेशन कम मिलेगा तो उसमें वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं वो फ्लावरिंग कब करते हैं, जब उनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लंबे टाइम के लिए ड्यूरेशन के लिए उनको लाइट मिलती है।
जबकि शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं उनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम जो है उनको हमें उनको लाइट चाहिए होती है, लाइट का ड्यूरेशन चाहिए होता है, तो उस टाइम पे वो फ्लावरिंग शो करते हैं। और कुछ होते हैं न्यूट्रल, जो हम ये बोलते हैं कि पूरे कंटिन्यू पूरे साल भर जो जो फ्लावरिंग करते हैं, जो हमेशा हम वो कहते हैं ना सदाबहार, जो हर वक्त हर कंडीशन में, चाहे शॉर्ट डे अगर उनको मिले और चाहे उनको लॉन्ग डे मिले, दोनों ही कंडीशन के अंदर वो फ्लावरिंग शो करते हैं, उनको डे न्यूट्रल प्लांट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स ही नहीं, हम बोलते हैं ना फसलें बोलते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, तो वो इसी चीज पे डिपेंडेड है, फोटो पीरियड पे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। उसके बाद में आ जाता है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सर्दियों में उगने वाली फसलें जो होती हैं, विंटर में जो ग्रो करती हैं, उनका मेन रीजन क्या है, क्योंकि उनको लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। मेनली क्या होता है कि सर्दियों में जो फसलें ग्रो करती हैं वो दो, हम ये बोलते हैं कि साल में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। एक में तो क्या है, वो अपने आप को लो टेम्परेचर से अपने आप को ट्रीट करती है, ठीक है, तो वो उस साल वो फ्लावरिंग नहीं करती है, और अगले साल फिर वो फ्लावरिंग करती है, एंड देन उससे हमें जो भी हमारी क्रॉप, जो हमारा हम बोलते हैं कि उसको हम हार्वेस्ट करते हैं और जो हमारा यील्ड होता है वो हमें मिलता है, ठीक है ना। तो दो साल में जो ये काम हो रहा है उसको हम एक साल में कर सकते हैं, कैसे, उसको लो, उस फसल को या उस पर्टिकुलर प्लांट को लो टेम्परेचर से ट्रीट करवा के। तो वर्नलाइजेशन क्या है, किसी भी प्लांट को लो टेम्परेचर से ट्रीट करवाना, उसी को वर्नलाइजेशन कह रहे हैं। तो जो विंटर की फसलें होती हैं उनको हम ऐसा कर सकते हैं, हम उसको दो साल में जो ग्रो हो रही है उसका हम टाइमिंग शॉर्ट कर सकते हैं, जो एक साल है वो उसको हम लो टेम्परेचर में उसको ट्रीटमेंट हम खुद देकर, हमारी तरफ से हम उसको ट्रीटमेंट जब दे देंगे, उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे, तो वो उसका ट्रीटमेंट पहले ही उनको मिल जाएगा लेबोरेटरी कंडीशन में, एंड देन वो अपना फ्लावरिंग शो कर देगी नॉर्मल उसी ईयर में। तो हमें दो साल में जो फसल अपना जो हमें देने वाली थी, फसलें हमें मिलने वाली थी, वो हमें एक साल के अंदर ही मिल जाएगी बिकॉज ऑफ वर्नलाइजेशन। तो लो टेम्परेचर से प्लांट को जब ट्रीट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या है, आपको मालूम है कि फेवरेबल एनवायरमेंट होते हुए भी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होता, उसको हम सीड डोरमेंसी कहते हैं। इस सीड डोरमेंसी को हम बोलते हैं क्यों है, रीजन क्या है, रीजन क्योंकि उसमें कई इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट है, फिनोलिक एसिड प्रेजेंट है, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है, जो क्या करता है, जो हमें बोलते हैं, या फिर एम्ब्रियो जो है वो इमेच्योर है, इस कंडीशंस में सीड अपने आप को जर्मिनेट नहीं होने देती, इंटरनली अपने आप से ही, खुद से ही वो जो है डोरमेंट फेज में रहती है। इस डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं कैसे, सीड कोट भी बहुत हार्ड हो जाता है, तभी तो वो सीड डोरमेंट फेज में रहता है, जर्मिनेट नहीं होता। तो आप क्या करो, सीड कोट को या तो तोड़ दो, एंड देन फिर उसको वाटर मिनरल जो है, उस सॉइल जो है उसके अंदर आप उसको रखो एंड ग्रो करवाओ, तो वो प्लांट जो है अपना क्या करेगा, सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा और ग्रोथ शो कर देगा। तो या तो आप उसको फिजिकल कोई उसके ऊपर फैक्टर को यूज करो, या फिर उसको जिब्रेलिन जैसे किसी पीजीआर से उसको ट्रीट करो, एंड देन वो उसकी सीड डोरमेंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है, एंड देन सीड जर्मिनेट कर जाता है। तो सीड डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही सब कुछ है, ये कुछ पीजीआरस के बारे में और कुछ कंडीशंस सीड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है वैसे तो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, और अगर आप इतना ही अच्छे से पिरो के अपने दिमाग में याद कर लेते हैं तो आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे, जैसे कि ये है। तो ये है हमारे आज के फॉलोअप क्वेश्चंस, अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर कर पाएंगे। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया है ना, इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और राइट आंसर भी दे रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।